दोस्तों, मैं कृष्ण यादव उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने फंडामेंटल में पिछली क्लास में पढ़ा था क्रच वॉकिंग, तो आज अपन लेंगे क्रच गेट। क्रच गेट क्या होता है, कौन सा पेशेंट यूज करता है, क्रच गेट में अपन स्टेयर अप स्टेयर डाउन कैसे करेंगे, अपन इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 4 पॉइंट गेट, स्विंग टू गेट और स्विंग थ्रो गेट। क्रच कौन से पेशेंट यूज करते हैं, जैसे पैरालाइज पेशेंट है, फ्रैक्चर पेशेंट है जिसके प्लास्टर हो रहा है, तो जो पेशेंट अपना वेट बोथ लेग से बियर नहीं कर पाते हैं वो क्या करेंगे, क्रच का यूज करेंगे। तो क्रच का यूज कैसे करते हैं देखते हैं अपन यहाँ आज। सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ लिखेंगे आज क्रच गेट। तो आज अपन देखेंगे क्रच गेट। क्रच गेट में सबसे पहले देखते हैं 2 पॉइंट गेट। सबसे पहले देखेंगे 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट क्या होता है, पेशेंट कैसे यूज करता है, सबसे पहले देखते हैं। 2 पॉइंट गेट में क्या करेगा, सबसे पहले पेशेंट अपना है जो राइट क्रच एंड लेफ्ट लेग, जो राइट क्रच है और लेफ्ट लेग है दोनों को एक साथ क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद क्या करेगा, पेशेंट जो लेफ्ट क्रच है, लेफ्ट क्रच एंड राइट लेग, उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। दो स्टेप इसने फॉरवर्ड किया, फर्स्ट में राइट क्रच एंड लेफ्ट लेग, सेकंड में क्या, इसने लेफ्ट क्रच एंड राइट लेग, इसने दो स्टेप में फॉरवर्ड किया, इसको बोलते हैं, इसलिए इसको 2 पॉइंट गेट। इसको डायग्राम की सहायता से देखते हैं अपन। सबसे पहले पेशेंट ने क्या किया, राइट क्रच एंड लेफ्ट, सबसे पहले इसने क्या किया, राइट क्रच एंड लेफ्ट लेग दोनों को फॉरवर्ड किया। उसके बाद इसने क्या किया, लेफ्ट क्रच एंड राइट लेग, जैसे अपने देखा यहाँ राइट क्रच लेफ्ट लेग, सबसे पहले राइट क्रच लेफ्ट लेग लिया, फॉरवर्ड किया, देन उसके बाद लेफ्ट क्रच एंड राइट लेग, इसने दो स्टेप में फॉरवर्ड किया, तो इसको बोलते हैं 2 पॉइंट गेट। सो क्या बोले, 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट कौन सा पेशेंट यूज करेगा, जो पेशेंट अपना वेट पार्शली बियर कर पा रहा है बोथ लेग्स पे, उस तो वो पेशेंट बोथ क्रच 2 पॉइंट गेट को क्या करेगा, यूज करेगा। इतना समझ में आया, 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट कौन सा पेशेंट यूज करेगा, जो पेशेंट अपना वेट है बोथ लेग्स पे पार्शली बियर कर पाता है तो वो 2 पॉइंट गेट को यूज करेगा। इसके बाद अपन देखते हैं 3 पॉइंट गेट। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट वे पेशेंट यूज करेंगे जो अपना वेट है जो पार्शली क्या है बोथ लेग्स पे बियर कर पाते हैं, तो वो 3 पॉइंट गेट और 4 पॉइंट गेट को यूज करते हैं। तो 3 पॉइंट गेट में अपन देखते हैं, सबसे पहले पेशेंट क्या करेगा, अपना जो बोथ क्रच है उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। बोथ क्रच को क्या करेगा, फॉरवर्ड। उसके बाद में क्या करेगा, बोथ क्रच के बाद देन क्या करेगा, जो अफेक्टेड लैग है, क्या है, अफेक्टेड लेग है, उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड। अफेक्टेड लेग के बाद क्या करेगा वो, देन अनअफेक्टेड को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। अनअफेक्टेड लेग को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। तो इसको 3 पॉइंट गेट क्यों बोला, इधर अपन देखते हैं डायग्राम की सहायता से इसको 3 पॉइंट गेट क्यों बोला। सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो बोथ क्रच है राइट एंड लेफ्ट दोनों को क्या किया, फॉरवर्ड किया, दोनों किया राइट एंड लेफ्ट क्रच को। देन उसके बाद क्या किया अपन ने, जो अफेक्टेड लैग है उसको क्या किया, फॉरवर्ड किया। ये क्या हो गया, अफेक्टेड लैग हो गया। अफेक्टेड लैग के बाद क्या किया अपन ने, देन अनअफेक्टेड लैग को क्या किया, फॉरवर्ड किया। अनअफेक्टेड लैग क्या किया, फॉरवर्ड किया। तो कितने स्टेप में अपन को एक कितने स्टेप में अपन चले, पहले बोथ क्रच देन अफेक्टेड लैग देन
अनअफेक्टेड लेग। तो हो गया 3 पॉइंट गेट, 1 2 3, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट गेट, बोथ क्रच फॉरवर्ड देन अफेक्टेड लेग देन अनअफेक्टेड लेग फॉरवर्ड, तो इसको बोलते हैं अपन 3 पॉइंट गेट। इसके बाद अपन देखते हैं 3 पॉइंट गेट के बाद 4 पॉइंट गेट। 4 पॉइंट गेट भी वही पेशेंट यूज़ करते हैं जो पार्शली वेट अपना बियर करते हैं। 4 पॉइंट गेट में पेशेंट कैसे यूज़ करता है क्रच को, ये देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट है जो राइट क्रच है उसको पेशेंट क्या करता है, फॉरवर्ड राइट क्रच। देन उसके बाद क्या करता है, जो पेशेंट है जो लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड करेगा, देन फर्स्ट में क्या करेगा, फॉरवर्ड राइट क्रच देन फॉरवर्ड लेफ्ट लेग। उसके बाद क्या किया, लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड किया। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड करने के बाद क्या करेगा वो, देन फॉरवर्ड लेफ्ट क्रच। लेफ्ट क्रच को फॉरवर्ड करने के बाद क्या करेगा वो, राइट लेग को फॉरवर्ड करेगा, देन फॉरवर्ड राइट लेग। उसके बाद क्या करेगा वो, राइट लेग को फॉरवर्ड करेगा। सब फर्स्ट क्या किया उसने, राइट क्रच को फॉरवर्ड किया, उसके बाद लेफ्ट लेग को, राइट क्रच लेफ्ट लेग, उसके बाद में लेफ्ट क्रच एंड राइट लेग। इसको डायग्राम की सहायता से अपन इधर देखते हैं। सबसे पहले कि उसने क्या किया, जो राइट क्रच है उसको फॉरवर्ड किया, राइट क्रच को फॉरवर्ड किया उसने। देन उसके बाद क्या किया उसने, लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड किया, लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड किया। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड करने के बाद उसने क्या किया, जो लेफ्ट क्रच है उसको फॉरवर्ड किया, लेफ्ट क्रच को फॉरवर्ड करने के बाद क्या किया उसने, लास्ट जो राइट लेग है उसको फॉरवर्ड किया। तो अपन ने 4 पॉइंट देखे इधर, सबसे पहले क्या किया उसने, राइट क्रच को फॉरवर्ड किया, उसके बाद लेफ्ट लेग को, देन उसके बाद लेफ्ट क्रच को, थर्ड एंड लास्ट राइट लेग, तो 4। तो इसको बोला अपन ने 4 पॉइंट गेट। ये समझ में आया। इसके बाद अपन देखते हैं स्विंग टू गेट क्या होता है। स्विंग टू गेट में देखेंगे अपन, जो पेशेंट है जो अपनी बोथ क्रच है फॉरवर्ड करेगा, बोथ क्रच फॉरवर्ड करने के बाद जो पेशेंट है वो अपनी बोथ लेग्स भी फॉरवर्ड करेगा, बट जो क्रच के जो पॉइंट होंगे, इधर अपन डायग्राम की सहायता समझते हैं एक बार। जैसे ये क्रच है, ये क्या है, क्रच अपनी बोथ क्रच है, ये राइट ये लेफ्ट। तो जैसे पेशेंट यहाँ खड़ा है, तो पेशेंट क्या करेगा, गेट का नाम है स्विंग टू गेट। जो पेशेंट है जो बिहाइंड द क्रच यहाँ रह जाएगा, बिहाइंड यानी कि पीछे, जो क्रच की लाइन है इसके क्या रहेगा, बिहाइंड पीछे रह जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्विंग टू गेट। पेशेंट इधर खड़ा है, ये क्रच है, ये क्रच के पॉइंट है दोनों, तो पेशेंट फॉरवर्ड होगा, तो जो क्रच के पॉइंट है इसको क्रॉस नहीं करेगा, इसके पीछे ही रह जाएगा यानी कि बिहाइंड। तो इधर लिखेंगे अपन फॉरवर्ड
बोथ लेग फॉरवर्ड बोथ लेग बिहाइंड द क्रच बिहाइंड द बोथ क्रच। तो ये अपना स्विंग टू गेट यानी कि जो अपना क्रच के पॉइंट है उसके पीछे ही रह जाएगा, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्विंग टू गेट। फॉरवर्ड बोथ क्रच देन फॉरवर्ड बोथ लेग फॉरवर्ड बोथ लेग बिहाइंड द क्रच यानी कि इसके क्रच के पीछे रह जाएगा। तो ये था अपना स्विंग टू गेट। स्विंग टू गेट के बाद अपन देखते हैं फिफ्थ नंबर पे आता है स्विंग थ्रो गेट। फिफ्थ नंबर पे है स्विंग थ्रो गेट। स्विंग थ्रो गेट में क्या होता है अपन सबसे पहले इधर देखते हैं डायग्राम की सहायता से। स्विंग थ्रो गेट में क्या होगा, ये अपना क्रच है, बहुत क्रच के पॉइंट है, पेशेंट इधर खड़ा है, तो जब पेशेंट एक स्टेप फॉरवर्ड होगा तो क्या करेगा, जो क्रच के ये पॉइंट है इसको क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा इस लाइन को, इस लाइन क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा यानी कि बियॉन्ड द क्रच। तो अपने क्या, ये क्या हो जाएगा, स्विंग थ्रो गेट। इसमें क्या हो जाएगा, पेशेंट इधर खड़ा है, जो क्रच के जो पॉइंट है क्रॉस है, इस पॉइंट को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा यानी कि बियॉन्ड द क्रच। तो इसमें आएगा सबसे पहले क्या करेगा, फॉरवर्ड बोथ क्रच, देन उसके बाद क्या करेगा, देन उसके बाद क्या पेशेंट क्या करेगा, फॉरवर्ड बोथ लेग बियॉन्ड द क्रच। बियॉन्ड का मतलब होता है आगे, इसके आगे निकल जाएगा, बियॉन्ड का मतलब होता है आगे, जो ये क्रच के पॉइंट है द क्रच, जो क्रच के पॉइंट है इसके आगे क्रॉस कर जाएगा। और स्विंग टू गेट में क्या था, जो स्विंग टू गेट में क्या था, प्रश्न क्या था, जो क्रच के पॉइंट इसके पीछे रह रहा था, बिहाइंड पीछे ही रह रहा था, तो क्या था, स्विंग टू गेट, उसको क्रॉस कर रहा है बियॉन्ड यानी आगे, तो ये क्या होगा, स्विंग थ्रो गेट। तो अपन ये क्या गेट थे, उसके फाइव पॉइंट थे, सबसे पहले था टू पॉइंट गेट, उसके बाद था थ्री पॉइंट गेट, उसके बाद था फोर पॉइंट गेट, फिर था स्विंग टू गेट, एंड देन फिफ्थ था लास्ट स्विंग थ्रो गेट। इसके बाद अपन दो पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन हर टाइम, स्टेयर अप एंड स्टेयर डाउन। स्टेयर अप का मतलब जब पेशेंट क्रच का यूज कर रहा है तो सीढ़ियां चढ़ते समय क्या कर रहा है और उतरते समय क्या करता है, तो अपन इधर देखेंगे। सबसे पहले है स्टेयर अप, जब पेशेंट स्टेयर अप कर रहा है यानी कि सीढ़ियां चढ़ रहा है तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, फॉरवर्ड अनअफेक्टेड, जो अनअफेक्टेड लेग है उसको सबसे पहले क्या करेगा, फॉरवर्ड स्टेयर अप में, देन उसके बाद क्या होगा, बोथ क्रच एंड उसके साथ में क्या जाएगा, अफेक्टेड लेग, उसके साथ में क्या जाएगा, अफेक्टेड लेग। प्रश्न है, पेशेंट है जो स्टेयर अप कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, फॉरवर्ड अनअफेक्टेड लेग, जिस पेशेंट का अनअफेक्टेड लेग है उसको सबसे पहले क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, बोथ क्रच एंड अफेक्टेड लेग, ये क्या करेगा, स्टेयर अफेक्टेड लेग। तो इसको अपन डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं कि जैसे ये स्टेयर है, ये स्टेयर है, सबसे पहले जब पर्सन है, अपना पेशेंट है, वो अनअफेक्टेड लेग को क्या करेगा, फॉरवर्ड, पेशेंट यहाँ खड़ा है, ये क्रच है, तो सबसे पहले अनअफेक्टेड लेग है,
अब अनअफेक्टेड लैग है तो प्रश्न यहाँ ले गया अनअफेक्टेड लैग को, देन उसके बाद क्या है बोथ क्रच एंड अफेक्टेड लैग को क्या करेगा साथ ले जाएगा, पहले अनअफेक्टेड लैग को ले गया ऊपर, अनअफेक्टेड लैग को ले गया, उसके बाद क्या करेगा अफेक्टेड लैग एंड बोथ क्रच यहाँ लेके जाएगा, अफेक्टेड लैग एंड बोथ क्रच ऐसे क्या करेगा पर्सन स्टेयर अप, तो फॉरवर्ड अनअफेक्टेड लैग देन बोथ क्रच एंड अफेक्टेड लैग, उसके बाद आता है स्टेयर डाउन, स्टेयर डाउन, स्टेयर डाउन में क्या होता है सबसे पहले पेशेंट इसका अपोजिट, जैसे स्टेयर अप किया था इसका अपोजिट होगा, सबसे पहले क्या होगा फॉरवर्ड बोथ क्रच एंड अफेक्टेड लैग, सबसे पहले क्या करेगा बोथ क्रच एंड अफेक्टेड लैग को क्या करेगा फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद क्या करेगा देन फॉरवर्ड अनअफेक्टेड अनअफेक्टेड लैग, अनअफेक्टेड लैग क्या करेगा फॉरवर्ड, जैसे अपने डायग्राम में देखा स्टेयर अप का डाउन का देखते हैं, पेशेंट यहाँ खड़ा है, पेशेंट यहाँ खड़ा है मान लो, यह बोथ क्रच है पेशेंट की, ये लैग है बोथ बोथ लैग है, तो सबसे पहले क्या करेगा वो जो बोथ क्रच है और जो अफेक्टेड लैग है बोथ क्रच एंड अफेक्टेड लैग, तो बोथ क्रच को लेके आएगा नीचे एंड देन उसके साथ में अफेक्टेड लैग आगे तीनों साथ, उसके बाद आएगा वो अनअफेक्टेड लैग, इस प्रकार अपना स्टेयर अप और स्टेयर डाउन था, स्टेयर अप और स्टेयर डाउन दोनों एग्जाम में पूछता है अल्टरनेट। तो आज का पढ़ का टॉपिक था क्रच गेट, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो आज के लिए इतना ही, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।